बड़ा एक माहौल बना हुआ है यार, बड़ी टेंशन वाली सिचुएशन है यार हमारी। और राउफ किशन आउट हो गया और राउफ ने जो है उसको आउट किया यार। हेलो गाइस, कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब खैर से होंगे। तो वेलकम हो गया तुम सबका अनदर व्लॉग में। बहुत दिनों बाद हमारा व्लॉग आया। आप भी कहते होंगे यार कि अभी व्लॉग नहीं आ रहे यार, बिल्कुल कुछ मसरूफियत की वजह से जो है वो व्लॉग नहीं अपलोड कर सके। तो आज जो है जी 2 सितंबर है और इस वक्त आज है सैटरडे और दोपहर के 12:30 ऑलमोस्ट जो है वो बज चुके हैं और आंख बहुत लेट खुली और उठते ही मैंने मोबाइल पकड़ लिया यार। अभी मैंने मुंह हाथ भी नहीं धोया और आप देख रहे होंगे ऐसा लग रहा है जैसे मैं महीने से नहीं नहाया। तो आज का जो आज जैसे कि आप सबको पता होगा यार कि आज मैच है और इंडिया पाकिस्तान का, और ये वो मैच है यार जो मतलब दुनिया में सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला ये मैच होता है और लोगों को बहुत ज़्यादा इंतज़ार रहता है। स्क्रीन्स लगती हैं यार बड़ी बड़ी। तो आज के मैच में भी जो सब लोगों ने बड़ी तैयारियाँ की हुई हैं, तो हमारी बेस्ट विशेज़ हैं ग्रीन शर्ट्स के साथ तो कि वो यार आज का मैच जीतें और फाइनल में भी पहुंचें और उसके बाद एशिया कप भी लेकर आए पाकिस्तान में, आमीन। तो गाइज आपके भाई की हालत बहुत ख़राब हुई हुई है, तो पहले नाश्ता वगैरह कर लेते हैं और रेडी शेडी हो जाते हैं यार ज़रा, और उसके बाद जो है फिर देखते हैं यार आज का मैच। तो जिसने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो यार जल्दी से सब्सक्राइब करो यार, ताकि आपको नया नई वीडियो नोटिफिकेशन मिल सके। यार आप क्यों नहीं सब्सक्राइब करते? ठीक है, जल्दी से सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं गाइस थोड़ी देर में, जैसे कि आपको पता है मेरी हालत बहुत खराब हुई है, तो मिलते हैं जरा रेडी होके यार। जी गाइस, तो आपका भाई जो है वो सुबह रेडी हो गया है यार, बड़ी बुरी हालत हुई हुई थी और आज लाइट बहुत ज्यादा तंग करी है। लाइट से आया याद यार कि बिल बहुत ज्यादा आए हैं सबको और मुझे लग रहा है कि इस दफा पता नहीं क्या मतलब पाकिस्तान में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है यार, बिल बहुत ज्यादा आए हैं। मैं सुबह उठा हूँ तो अम्मी ने मुझे सबसे पहले जो है वो ये बताया यार कि बिल बहुत ज्यादा आ गया है। तो मैंने अम्मी को कहा माजी थोड़ा हौसला करें, क्योंकि बिल सिर्फ हमारा नहीं, बहुत से लोगों का बहुत ज्यादा बिल आया है और ये एक अलग टेंशन आ गई है। चलें कोई नहीं, अल्लाह ताला जो है पाकिस्तान के हालात वो बेहतर करे। तो गाइज आज जो है मैच है, जैसे कि आपको पता है मैच बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। पाकिस्तान इंडिया का मैच बहुत ज्यादा देखा जाता है और टॉस हो चुका है और बैटिंग कर रहा है इंडिया इस वक्त। तो इस वक्त जो है गाइज बड़ा इंटरेस्टिंग मैच तो चल रहा है। शाहीन शाह अफरीदी ने बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है यार, कोहली को आउट कर दिया और रोहित शर्मा को भी जो है वो आउट कर दिया है, और मतलब एक मेन प्लेयर जो उनके जो है वो उड़ा दिए यार अफरीदी ने, लव यू हो गया यार शाहीन अफरीदी। तो बड़ा मजा आने वाला है। आज जो है उसामा भी नहीं है घर पे, तो आज सिर्फ मारिया और अम्मी हैं और अम्मी जो है वो किचन में बिजी हैं और मारिया से पूछते हैं। मारिया हेलो गाइस, तो आज पाकिस्तान इंडिया का मैच है, तो किसकी तरफ हो? थी बात है, मैं पाकिस्तान की तरफ हूँ। शाबाश बेटा, हूँ पाकिस्तान, और सबसे पहले पाकिस्तान को बेस्ट ऑफ लक हमारी टीम को, जो बहुत ज्यादा यानी कि उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग स्टार्ट की है। सबसे पहले जो उनके प्लेयर है विराट कोहली है और रोहित शर्मा है उनको, यानी कि वो शाहीन अफरीदी ने, हाँ बिल्कुल अफरीदी ने जो आउट किया है और बड़ी एक अच्छा स्टार्ट पाकिस्तान को दिया है। और अब देखते हैं कि जो इंडिया है वो कितना स्कोर करता है यार, क्योंकि हमारी कोशिश तो यही है यार, दुआ भी यही है कि पाकिस्तान जो है वो कम से कम स्कोर पे जो है ना उनको आउट करे। बिल्कुल, लेकिन और भाई कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये पाकिस्तान और इंडिया का मैच है। बिल्कुल नो डाउट, यानी कि यहाँ पे लास्ट मोमेंट पे भी कुछ भी हो सकता है, यानी कि आप पहले कुछ भी नहीं कह सकते। एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा है क्योंकि हमारी टीम का मैच है, हमारे यानी कि हमारी बहुत ज्यादा हमारी बेस्ट विशेज है हमारी टीम के लिए कि हमारी टीम जीते पाकिस्तान इंडिया से। लेकिन वही बात के तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है। लेकिन नहीं, इस दफा जो है ये वाला हम सॉन्ग नहीं पहले सुनेंगे ना गाएंगे, क्योंकि आज मुझे उम्मीद है यार आज पाकिस्तान जीतेगा, क्योंकि आज विराट कोहली नहीं चला, क्योंकि जब विराट कोहली चलता है इंडिया डाउट होता है कि इंडिया जीत जाएगा, लेकिन इस बार विराट कोहली नहीं चला, विराट कोहली जो है वो आउट हो गया है। तो उम्मीद है कि यार चांसेस यही है पाकिस्तान के, पाकिस्तान जो मैच विन करेगा। तो देखते हैं क्या होता है यार। यार इस वक्त टेंशन वाली बहुत ज्यादा फीलिंग्स हैं, क्योंकि टेंशन वाली सिचुएशन जो हुई है कि किशन और जो पांड्या हैं वो आउट नहीं हो रहे यार, और बड़ी ज़्यादा जो है ना वो इस वक्त टेंशन हुई हुई है मैच की। और मारिया जो इस वक्त जो है वो भी बहुत ज़्यादा जो है टेंशन में बैठी हुई है। मारिया बहुत टेंशन हो रही है, आउट नहीं हो रहे किशन और पांड्या की जो गाइस वो इस वक्त लग चुकी है, पार्टनरशिप बड़ी अच्छी और किशन जो है बड़ा अच्छा उन्होंने मैच को मतलब संभाला है, 4 आउट हो गए थे और लेकिन अब मारिया जो है बहुत ज़्यादा टेंशन में बैठी हुई है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। किशन लेकिन फिर भी मुझे है कि आउट हो जाएगा, हमारे पाकिस्तान के प्लेयर बहुत ज्यादा मेहनती हैं। बिल्कुल नो डाउट यार, पाकिस्तानी प्लेयर जो हैं वो बहुत ज्यादा मतलब एंड तक जो है मैच को खींचते हैं और फुल एफर्ट अपनी करते हैं। तो उम्मीद है कि यार पांड्या और किशन की जो पार्टनरशिप है यार ये जल्दी से जल्दी टूटे यार। ठीक है, वो गाइस इस वक्त बहुत ज्यादा टेंशन चल रही है, इस वक्त जो है किशन और
हार्दिक पांड्या जो है उनकी पार्टनरशिप लगी हुई है और किशन जो है यार सेंचुरी की तरफ है यार, मुझे ऐसा लग रहा है यार वो पता नहीं क्यों सेंचुरी की तरफ जा रहा है यार। रॉफ का जो है सब ओवर चल रहा है, देखते हैं क्या होता है। और बड़ा एक माहौल बना हुआ है यार, बड़ी टेंशन वाली सिचुएशन है यार। और राउफ किशन आउट हो गया और राउफ ने जो है उसको आउट किया यार, कैच किया है बाबर आजम ने यार, बड़ा जबरदस्त यार, बहुत जबरदस्त यार, शुक्र है यार। और सबसे बड़ी बात ये है कि उसने सेंचुरी नहीं की यार, सेंचुरी नहीं की, बाकी टेंशन आ रही थी कि कोहली इस वक्त आउट हो गया था इस मैच में, तो हमें था कि यार के नीचे वाले प्लेयर जो है इनकी पार्टनरशिप टूटी है यार बिल्कुल। अब पांड्या रह गया, पांड्या भी इंशाल्लाह जल्दी आउट होगा। रौफ ने जो है वो इस वक्त बॉलिंग करवाई है और कैच आउट हुए हैं और बाबर आजम जो है उन्होंने कैच लिया, बड़ा यार अच्छा यार, शुक्र है यार, बड़ी टेंशन वाली सिचुएशन चल रही है, अच्छा मैच हो रहा है, एक्साइटमेंट ज्यादा भर रही है। कितना ए फ्यू मोमेंट्स लेटर ओह शिट, ये क्या हो गया, मार गया, जीता हुआ मैच था हमारा। ये मैच वाकई हमारा जीता हुआ था और बारिश जैसे कि स्टार्टिंग से तंग कर रही थी। हाँ। और स्टार्टिंग से ही लग रहा था कि बारिश जो जिस तरीके से बार बार हो रही है तो लग ये रहा था कि ओवर्स कम कर देंगे, लेकिन इतना नहीं पता था कि पाकिस्तान की बैटिंग ही नहीं आएगी और मैच जो है वो ड्रॉप कर देंगे और दोनों टीम्स को एक एक पॉइंट्स जो है वो दे दिया गया है। लेकिन अफसोस इस चीज़ का हो रहा है कि पाकिस्तान ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी और बॉलिंग बहुत ज़्यादा अच्छी की थी और मुझे ये था कि पाकिस्तान बैटिंग भी करता और हम लोग विन करते बिल्कुल। और मैं भी यही पहले मैंने भी स्टार्टिंग में ये बोला था कि 270 तक रोकना बड़ा ज़रूरी है और वैसे ही हुआ था, लेकिन बैड लक कह लें कि पाकिस्तान आज बड़ा अच्छा परफॉर्म करके भी जो है वो जीत नहीं सका, लेकिन बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी थी पाकिस्तानी बॉलर्स ने और पाकिस्तानी फील्डिंग भी बड़ी कमाल की थी आज और बड़ा मज़ा आया था और लग यही रहा था, लग नहीं बल्कि मतलब 60-70% चांसेस यही थे कि पाकिस्तान ये मैच जीत जाएगा, जाएगा। तो अगर बैटिंग जब आनी थी, बैटिंग का बड़ा वेट था सबको और लग यही रहा था कि भाई जीतेगा, लेकिन अफसोस ऐसा हो नहीं सका। तो देखते हैं कि अब आगे जो एशिया कप है वो कैसा होने वाला है, क्योंकि अब पाकिस्तान एक मैच जीत चुका है और जो इंडिया है उसका फर्स्ट मैच था और एक पॉइंट सब उसको मिल गया, तो अफसोस इस चीज़ का हो रहा है, मैच मतलब वो हारे हुए थे और हम जीते हुए थे और गाइस जैसे कि समरी भी आ रही है कि मैच ड्रॉ हो चुका है और लेकिन अब सोच रहे, लेकिन कोई बात नहीं, पाकिस्तान की जो है परफॉर्मेंस अच्छी है और थ्री पॉइंट्स हम भी जीतेंगे और क्योंकि हम पहले भी एक मैच विन किया हुआ है तो इसलिए इतनी परेशानी की बात नहीं है, लेकिन बस ये मैच अगर होता तो और मजा आता और बिल्कुल ऐसे ही था। तो कोई बात नहीं गाइस, फिर भी हमारी तरफ से जो है वो बेस्ट ऑफ लक ग्रीन शर्ट्स को, क्योंकि अभी टूर्नामेंट बड़ा हुआ है और हमारी दुआ ये है कि पाकिस्तान एशिया कप जो है वो पाकिस्तान में, और ऐसा भी हो सकता है कि इंडिया का और पाकिस्तान का फिर फाइनल हो सकता है, हाँ ऐसा भी हो सकता है, कई दफे ऐसा हुआ है। तो गाइस उम्मीद है आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर हमारा ये ब्लॉग अच्छा लगा तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो यार, और जो नए हैं वो सब्सक्राइब किया करें यार, आप सब्सक्राइब नहीं करते तो भूल जाते हैं बिल्कुल, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।